हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन को लेके फिर से बात हुई है, फ्रॉम वुमेन रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वालिटी। तो देखते हैं क्या ये, शायद मेरे को लग रहा है कुछ अच्छी बात होगी इसमें, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन से लेके जेंडर इक्वालिटी तक का सफ़र कैसा है देखते हैं। लास्ट वीक पार्लियामेंट पास द वुमेन रिजर्वेशन बिल विच प्रोवाइडेड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। डेटा फ्रॉम द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन शोज दैट शेयर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इन इंडिया इज अराउंड 15%। इंडिया रैंक्स 141 आउट ऑफ 193 कंट्रीज ऑन दिस काउंट। इवन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, केनिया हैव हायर शेयर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। ओवर द लास्ट 27 ईयर देर हैव बीन सेवरल एफर्ट्स टू इंट्रोड्यूस द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट। सच एफर्ट्स फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। दैट देर इज अ स्ट्रॉन्ग मॉरल इंपेरेटिव टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इज बियॉन्ड डिबेट। द स्मूथ पैसेज ऑफ दिस लॉ शोज कंसेंसस अराउंड द इशू। तो ठीक है, अब तो हो गया ना, पहले नहीं हुआ वही बात हो रही है। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्शन इन लोकल बॉडीज इन इंडिया हैज रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। रिसर्च बाय तानिया जैकिमो ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड नीरजा गोपाल जयाल shows that contrary to popular belief, elected women representatives have over time asserted their presence in spite of interference from male family members. तो इन्होंने साफ बोला है, वो तो male family members patriarchy दिखा रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, पर फिर भी वुमेन ने अपना यहाँ पे प्रेजेंस शो किया है। ठीक है, अ सिमिलर आउटकम में भी may also seen in higher elected bodies. तो बोल रहे जैसे पंचायत में हुआ है वैसे आगे भी होगा, कि हो सकता है असर्ट करे मेल अपने प्रेजेंस को, पर वुमेन ने अपनी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे दिखाया है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट लॉ इज कंटिंजेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंसस एंड द सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। सेंसस एंड डिलिमिटेशन आर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंचुअलिटीज। देर हैव बीन फ्रीज ऑन डिलिमिटेशन सिंस 1976 इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्टेट टू कंटेन पॉपुलेशन ग्रोथ। The southern states have been more successful in reducing population growth through a series of measures focused around the women empowerment. It is now well understood that the higher education among girls, increased female labor force participation, and greater financial autonomy among women directly correlate with the lower fertility rate. Ironically, states which have improved indicator around women empowerment would now stand to lose seat to parliament if a delimitation exercise is held. ठीक है, अनदर सेंट्रल इशू रिवॉल्व अराउंड द इलीगैलिटी ऑफ द कंटीजेंसी क्लॉज इटसेल्फ। वेदर अ लॉ लेट अलोन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी कंटीजेंट अपॉन द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट रिक्वायर डिटर्मिनेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इट इज स्ट्रेंज दैट अ मच नीडेड एंड नियर अनएनिमस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इज नाउ इनएक्सक्रिएबली टाइड टू अनदर फ्यूचर लॉ विच मे नॉट बी डील विद अंटिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे वही डिलिमिटेशन का बोला जा रहा है, जब तक वो नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं सोसाइटल अप्रोच क्या है। इन स्पाइट ऑफ द लॉ एंड इट्स लॉडेबल इंटेंट, द अल्टीमेट गेम चेंजर लाइज इन चेंजिंग सोसाइटल अप्रोच टू जेंडर रोल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज मस्ट नेसेसरली बी सीन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया विच इज abysmal by any standard. Real and substantive gender justice will only be achieved when there is an equitable and fair sharing of household chores and domestic responsibility, which are all aspect of unpaid labor. ठीक है, यहाँ पे बोल रहे जेंडर रोल चेंज होगा, यहाँ पे लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, वही बात हो रही है। रिसेंट रिसर्च फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन Time use survey 2019 shows that the 97 minutes spent daily by men on unpaid domestic service of household member, women spend 299 minutes, women spend 134 minutes on average daily on unpaid caregiving service for household member as compared to 76 minutes spent by men. So, ye unpaid itna 134 minute inka 76 minute hai men ka. It is clear that women bear a disproportionate burden on household responsibility. This is the result of patriarchal society mindset, ठीक है, which will need to change. The women if women are to fully and effectively participate in the labor force, let alone hold the highest elective representative position. तो यहाँ पे यही बात हो रहा है कि gender role change करेंगे, यहाँ पे change करेंगे, क्या change करना मतलब
जब यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा ना, तो ये सोसाइटी अपने आप थोड़ा सा चेंज होगी, सोसाइटी विल अडॉप्ट दी चेंज। तो यहाँ पे यही बात हो रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स विच रिकॉग्नाइज अनपेड लेबर डन बाय द वुमेन विद इन हाउस होल्ड सच एज, देखिए अभी यहाँ पे क्या है, मगलीर उरीमई थोगई इन तमिलनाडु आर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज द एड्रेस एंड वास्ट गल्फ एज अनपेड हाउस होल्ड लेबर। द उरीमई थोगई स्कीम इज अ मंथली कैश ट्रांसफर। तो ये मंथली कैश ट्रांसफर है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। देखिए प्रोग्राम, इट इज डिवाइज नॉट एज दी लर्गीज बट एज एन ऑब्लिगेशन टू वुमेन हु कैरी अ डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन इन दी हाउस होल्ड। वाइल तमिलनाडु हैज ऑलरेडी अ ग्रेटर नंबर ऑफ वुमेन इन दी एक्टिव लेबर फोर्स इन कंपेरिजन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दिस स्कीम अलॉन्ग विद द फ्री बस पास फॉर वुमेन इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव नंबर अप ओवर द नेक्स्ट 2 decades। नेवरदलेस वेन द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन हायर इलेक्टेड बॉडीज इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट लॉ, क्वेश्चन स्टिल रिमेन विथ रिगार्ड्स द बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटेटिव। इनिशिएटिव इन अदर कंट्रीज ऑफर अ इंटरेस्टिंग केस स्टडी ऑन सस्टेनिंग वुमेन इन केस ऑफ पोलिटिकल एरिया। EMILYS लिस्ट इन द USA हैज़ बिन प्रोवाइडिंग कैंपेन गाइडेंस, मेंटरशिप एंड बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर वुमेन एज द एंटर पॉलिटिक्स। एक्टिव फॉर नियरली 4 decades, एमली लिस्ट हैज़ बिन हेल्प्ड इलेक्ट 201 मेंबर ऑफ द कांग्रेस इक्विवेलेंट टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड 20 गवर्नर सिमिलर टू द चीफ मिनिस्टर्स। तो जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे गवर्नर्स है। तो रिगार्डलेस ऑफ दी, तो मतलब इतना ये एमली लिस्ट हेल्प किया है वुमेन को। रिगार्डलेस ऑफ वेदर पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली ग्रूम वुमेन लीडर्स, इट इज नाउ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड कैपेसिटी एंड इंश्योर दैट द रिजर्वेशन मॉडल लीड्स टू सक्सेसफुल आउटकम। द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नीड टू सिग्निफिकेंटली रिवाइज द रिवाइज टू इंश्योर दैट द वुमेन रिजर्वेशन लॉ डज नॉट स्टे सिम्बॉलिक जेस्चर। सिमिलरली, तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसको आगे बढ़ाओ, बस ये सिम्बॉलिक जेस्चर नहीं होना चाहिए सिंपली। सिमिलरली द रिकॉग्निशन ऑफ अनपेड लेबर एंड द इक्विटेबल शेयर ऑफ हाउस होल्ड ड्यूटीज विल अल्टीमेटली डिक्टेट वेदर सब्सटेंशियल रिफॉर्म इन जेंडर इक्वलिटी इज अचीव्ड और नॉट। ये और नॉट मैंने बोला है, अचीव्ड और नॉट, क्योंकि ये होगा तभी अचीव होगा, नहीं होगा तो कहाँ से अचीव होगा। तो इस आर्टिकल में देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ये वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, जो 33% रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकसभा में, लोकसभा में और पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में दे रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों को कंपेयर करके, मिला के कंपेयर कर रहा हूँ, मिला के 33% दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोसाइटल अप्रोच हमने देखा और क्या था, जेंडर रोल से रिलेटेड था, कितने लेबर, देखो अनपेड वर्क जो औरत करती है उसका क्या, यहाँ पे वो बात हो रही है। उरमई थोगई स्कीम आप देखिए, ठीक है, उरमई थोगई स्कीम जो आपका है तमिलनाडु का, ठीक है, जो क्या करता है आप देखिए, जो ग्रेटर वुमेन एक्टिव लेबर फोर्स में कम हेल्प किया है आने के लिए, किस लिए, ये मंथली कैश ट्रांसफर करता है प्लस फ्री बस पासेस देता है। तो आप देखिए, एक तो ये मंथली कैश ट्रांसफर करता है, फ्री बस पासेस देता है, दो चीज़ें हमें पता चली है, उससे वुमेन ज़्यादा वर्क फोर्स में इंडल्ज हो पाई हैं। ठीक है, बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देखिए। और इंडिया अभी बहुत पीछे है, इंडिया का रैंक है 141 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन केस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेचर ऑफ कंट्री एंड स्टेट एज अ होल। और आप देखिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, केनिया, ये सारे हमसे आगे है। तो ये हो सकता है ये चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाए, पर ठीक है, चलिए करिए, देखते हैं क्या होता है। बस यही है कि जिनके हस्बैंड हैं वही ना बने, मैं चाहता हूँ हाउस वाइफ्स भी बने, जो कुछ करना चाहती हैं, जो अच्छी ओरेटर हैं, अच्छे स्किल्स रखी हैं, अपने घर में हैं, काम कर रही हैं, वो लोग बने। बस पैसा फेंक के जब तक ये वोटिंग का सिलसिला चलता रहेगा, जो है ऑलरेडी उनके हस्बैंड्स है, फादर्स है या ब्रदर्स है, वही लोग बनेंगे, तो उसका मेरे को कोई मतलब नहीं दिख रहा है। तो अच्छा, इनके ऊपर क्या ही कर दिया मैंने, चलो। तो ठीक है, बस आप लोग प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव,
ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.